हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये रहेगा सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल पार्क में भी एक प्रोजेक्ट रहने वाला है आपका, और जो कि आपकी लो राइज डेवलपमेंट रहेगी। और अब मैं दिखाता हूँ इसका, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये रहने वाला है, और कुछ इस तरह से रहेगा आपका फ्रंट जो फसाड है वो। और इसको बेसिकली फ्रूट वैली भी बोलते हैं सेंट्रल पार्क को। और ये दोनों जो प्लॉट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि अभी तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन एरिया, इस ग्रीन एरिया को कन्वर्ट कर दिया गया है कि ओलंपिक साइज़ का आपका स्विमिंग पूल रहेगा। और अगर मैं पूरी जो ये डेवलपमेंट रहेगी इसको बताऊँ तो इसमें जो आप साइड में ये देख रहे हैं, ये जो फ्रूट्स देख रहे हैं इस तरह के, एक्चुअल में यही डेवलपमेंट रहेगी आपकी कि आपके पूरी जो बाउंड्री है उसके साथ में फ्रूट्स रहेंगे और वो रेजिडेंट को ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि कैसे रहेगा। ये स्टिल्ट रहेगी, स्टिल्ट के बाद चार फ्लोर, और फिर उसके बाद टेरेस को हाफ ऑफ करके दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हाफ ऑफ में डिवाइड की हुई है। और बेसमेंट में सर्वेंट रूम या ऑफिस या बार या कुछ भी आप अपने हिसाब से डेवलप करवा सकते हैं, वो भी प्राइसिंग में इंक्लूड है। फिर कुछ फ्लोर्स के ऊपर आप ये जो देख रहे हैं ये हो जाता है आपका पर्सनल स्विमिंग पूल, जो कि कुछ बड़े साइज के जो प्लॉट्स हैं 307 स्क्वायर यार्ड के, उनके जो टॉप फ्लोर है वो आपके पर्सनल पूरा टेरेस रहने वाला है, वो डिवाइड नहीं किया गया है, तो इस तरह से रहेगा। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमिनिटीज़ की और फैसिलिटीज़ की, तो ये आ जाती है यहाँ पे क्लब की साइट, जो कि इस एक 11 एकड़ की जो डेवलपमेंट है इसकी अलग एक पर्सनल क्लब रहेगा, और एक जो पूरा आपका लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फिट का जो क्लब रहेगा वो आपका अलग रहेगा। तो गाइस, ये इस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट रहता है। और मैं एक बार आपको व्हीकल मूवमेंट किस तरह से रहेगी वो भी दिखा देता हूँ, कि जैसे आपका एंट्रेंस गेट वहाँ से आके, और ये हो जाता है आपका एंट्रेंस, और ये दो प्लॉट के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ से व्हीकल मूवमेंट रहेगी, और जिस साइड में भी आपका घर है आप वहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो गाइस, ये आपका हो जाता है सेंट्रल पार्क का ऑर्चर्ड, जो कि आपका साउथ ऑफ गुड़गांव सोहना के अंदर। अगर आप फ्लोर को विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सैंपल फ्लोर अवेलेबल है देखने के लिए। थैंक यू गाइस।